गाइज वेलकम बैक टू मिसिकाज फैमिली चैनल। मैं हूँ शिवम। और आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। और मेघा अभी रेस्ट कर रही है, और 3 4 दिन से वो थोड़ा वीकनेस फील कर रही थी, और अभी तो बेटर है। और आइए मैं चलते हैं, अपन देखते हैं कैसा कैसा क्या है, मेघा क्या कर रही है। मेघा क्या कर रही है? क्या गलत बात है यार मेघा तुम्हारी है। हुआ? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तुमने बताया नहीं मुझे, मुझे भी नहीं पता। क्यों शर्मा गई हो? 5 से 3 महीने हो रहे हैं, फिर भी डील करेंगे। अच्छा, 2 3 महीने बाद बताओगी? हाँ तो अभी से रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? अब थोड़ी ना बताना है, 3 महीने बाद बताएंगे अपन। नहीं तो मुझे पता नहीं पड़ा और तुम प्रेग्नेंट हो गई हैं, ये कैसा जादू है? ये जादू नहीं हुआ ये है, मर हमें खुद नहीं पता पड़ा, लोगों ने बस गेस कर लिया कि हम हमारी नहीं, तबीयत बहुत से खराब कमेंट आ है। रहे हैं ना कि आप प्रेग्नेंट हो। मेरे को समझ नहीं आता लोग क्यों ऐसे कमेंट करते हैं। मैंने बिल्कुल साफ तौर पे मुझे आप बोला कि मुझे वायरल है, कोल्ड है, मतलब मेरी वॉइस से भी समझ में आ रहा होगा कि मुझे कोल्ड है, वायरल है। तो उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो और आपने बताया नहीं, आपने रिवील नहीं करा, आप रिवील नहीं करना चाहती हो। पहली चीज़ तो नहीं हूँ, दूसरी चीज़ अगर होती तो बिल्कुल रिवील करती, लेकिन अभी नहीं, एक समय होता है हर चीज़ का। लेकिन मेरा बेटा भी 2 साल का हुआ है, अभी हुआ है ना। मिशिका की स्टडी की जिम्मेदारी है, इतना सब कुछ, उसके बाद क्या मैं इतनी बेली बैठी हूँ कि मेरे पास कोई और काम नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट होंगी और अपने ऊपर टाइम दूंगी? क्योंकि ऑब्वियसली प्रेगनेंसी कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, या फिर एक छोटी सी जर्नी नहीं होती 4 दिन की, ये पूरे 9 महीने की जर्नी होती है। पर तो कितनी मुझे मेरे बताया क्यों नहीं यार, गलत को है ना समझ ये? ही नहीं आ रहा बाबू। मेरा मतलब आपको मैं क्या बोलूँ अभी, आप खुद सोचो कि मतलब लोग गैस कर रहे हैं, तो मैं अभी उनको ये बोलूँ कि आप गलत गैस नहीं कर तो रहे यार हो? सरप्राइज ये तो देना कोई एक बुरी बार, बात थोड़ी अरे है। सरप्राइज ऐसा थोड़ी ना होता है, सरप्राइज थोड़ी ना है, ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है, लोग अपने मन से रच लेते हैं। कोई लेडी शादीशुदा है अगर और वो बीमार हो गई तो वो प्रेग्नेंट ही है क्या? मतलब सीरियसली यहाँ पे ये एक और चीज़ लगने लग जाती है कि लोग खुद से, और फिर बोलते हैं आप सस्पेंस बना रहे हो। हम कोई सस्पेंस नहीं बना रहे होते हैं, बस हमको बोला जाता है हम सस्पेंस बना रहे हैं, हम कोई सस्पेंस नहीं बना रहे हैं। अगर ऐसा था, जब था तब हमने एकदम डायरेक्टली ओपनली बोल दिया था कि भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मुझे बोला गया हाँ मेगा प्रेग्नेंट है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। सो मैं वही बोल रही हूँ कि लोग अगर अपने मन से गैस कर रहे हैं तो हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, बस हम इतना बोल सकते हैं जो हमें प्रॉब्लम थी हमने बता दिया था। अभी अगर आप अपने मन से इस तरीके से कुछ गैस कर रहे हो तो वो आपकी इच्छा है, और मतलब आप कमेंट बॉक्स में अवॉर्सन जैसे शब्द को यूज़ कर रहे हो। सीरियसली मैंने कितने सारे कमेंट्स हटाए, अरे एक बंदी ने क्या बोल दिया, उसका कमेंट क्या मैंने रख दिया, लोगों ने नीचे फिर वही 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 करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने फिर वो मतलब वो सारे कमेंट्स हटाए। एक दो के मैं फ्लैश कर दूंगी यहाँ पे, और बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और वैसे क्या ऐसा है। कुछ नहीं है, अगर ऐसा कोई भगवान अगर चाहेगा तो हम लोग बताएंगे जरूर, ऐसा थोड़ी कभी कसम से। पहली चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इतना बड़ा पाप कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी। अगर ऐसा होगा, पहली चीज़ तो ये कि भगवान हम दो हमारे दो में हम बिलीव रखते हैं, बट कभी अगर ऐसा हो गया ना तो ये पाप तो भगवान हम माता रानी कभी नहीं करेंगे। हम प्रिकॉशंस वगैरह हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं वो हम यूज़ करेंगे। और ये देखो इतना बड़ा बाबू और इतनी बड़ी बाबू की इतनी छोटी सी मेघा। हमारे बेटे की अभी तबीयत ठीक नहीं थी 3 4 दिन से, अभी तो आज मतलब कल से बेटर फील कर रही है। अभी कोल्ड भी हुआ रखा है और फीवर भी वायरल, और और हमारी लड़ाई भी हुई रखी थी लड़ाई भी हो गई थी। अभी अभी बात करना चालू किया है दो बिकॉज दिन वो से। कमेंट देखा तो हमें लगा कि ऐसा यार सरप्राइज यार हमें मिली नहीं है, सबको पता चल गया, ऐसा कैसे है? जल्दी से जल्दी ठीक होना है, अच्छा होना है, पहले जैसे बैक टू रूटीन आना है। सब कुछ चल रहा है मेरे घर में, काम सब होते ही है, जैसे सुबह से शाम तक की दिनचर्या है सब है, बस मैं बिस्तर पे होती हूँ, और कुछ भी नहीं। तो वो मैं बिस्तर पे होती हूँ तो बस सब कुछ खराब हो जाता है। हमारे यहाँ क्या मेगा बीमार होती है ना, तो फिर धीरे धीरे बच्चे भी बीमार होने लगते हैं। इसी का को आज कफ हो इसी रहा का है। आज स्कूल भी नहीं गया, उसको कफ कोल्ड हुआ रखा है। और जहाँ तक कि
मेघा हमारी अब एक दो दिन में टन हो जाएगी। टन का मतलब परफेक्ट हो जाए। चलो उठ जाओ, लेट लेट थक जाते हो, अभी उठो के चलोगे फिर उगे तो घूमोगे तो अच्छा लगेगा। चलो उठ जाओ। मन हमारा सो रहा है, उसको दिखाना नहीं, बस सोते हुए। हमारे यहाँ पे कहते हैं बच्चे को सोते हुए नहीं दिखाना चाहिए, तो उसको सोते हुए नहीं दिखाएंगे। बाकी मन से सो रहा है तो हम उठ भी सकते हैं, अदरवाइज तो हम लेटे ही रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसको हमें सुलाना था। प्लीज हमारे इस रूम को इग्नोर कीजिएगा। देखिए अब हमारी मेघा की ब्यूटी देखिए, जूम करके दिखाते हैं। कोई ब्यूटी ब्यूटी नहीं है, आप बोल रहे हो इसलिए हम थोड़ा सा हो रहे हैं तैयार। इच्छा हमारी नहीं है देखिए मेघा, बट क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा रानी गुड़िया टाइप बन जाऊं तो बन जाती। फर्स्ट देखिए मिरर से दिखाते हैं, मिरर इतना गंदा रहता है। वाह इतनी जल्दी लग गई है। लड़कियां इसी चीज में तो एक्सपर्ट होती है, मेकअप में। हम लड़कों का अच्छा रहता है, हम लड़कियों का ज्यादा अच्छा। 2 मिनट में मुंह धोया, 2 मिनट में मुंह धोए और 1 मिनट में कपड़े पहने और चल दिए। और ख़ास तौर पे जिसके कर्ली वाजे से हम, हमें तो और टाइम ही लगता। देखो ये मिसी का ये मिरर को कितना गंदा करके रखती थी। हाँ हाँ क्या बात, वाह आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे आपको ऐसा तैयार होते। हाँ तो देख लो कि हम कितना मेकअप करते। वैसे भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते दी आप कल ही तो मुझे किसी ने कमेंट किया थोड़ा पाउडर कम लगाया करो। मैंने कहा भाई कौन से जमाने में जी रही हो तुम, आज के जमाने में कौन पाउडर लगाता है। पाउडर सब आजकल बच्चे यूज करते हैं, और पाउडर फेस पे तो बच्चों को भी नहीं यूज करते क्योंकि इतना चेहरा ड्राई हो जाता है। थोड़ा सा मेरे को क्या, मेरे को थोड़ा सा तैयार होने में थोड़ा सा ब्लश की नीड लगती है और काजल और ओनली लिपस्टिक, दैट्स इट। हो गई तैयार, ये हो गया, बस काजल लगा लेते हैं ऐसा। सुबह फेस वॉश किया था, अब सोचो 1-1.5-2 घंटा बाद। ये वो तरिंदा है जो अपनी स्मार्टनेस से कत्ल करता है, प्रेग्नेंट होने के बाद भी नहीं बताता है। अरे यार बाबू प्लीज चिढ़ाना बंद करो, अच्छे लोगों ने तो अच्छे। देखिए ये है वो, गौर से देखिए इसके फेस को, ये आंखें बड़ी इसकी हैं और बड़ी आंखों में काजल लगाती है, मस्करा लगाती है। देखिए ये इसकी आंखों को फोकस करते हैं, ये वही दरिंदा है, बहुत प्यारी लग रही है आंखें यार। हैं तो लगेंगी नहीं जूम करने पर, ऐसे करना ऐसे करना, मतलब वैसे ही बिना मेकअप के अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है कितना सारा मेकअप कर लिया, लग रहा है ना। किया कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं, लिपस्टिक लगाया, काजल लगाया, अभी तो मस्कारा भी नहीं लगाया। जैसे नॉर्मली मैं कल वीडियो रिकॉर्ड किया था, परसों मैंने मस्कारा लगा लिया था तो थोड़ी आईज और अच्छी लग रही थी। मस्कारा भी लगा सकती हूँ बट वो मेरा मस्कारा ना वाटर प्रूफ है, और वाटर प्रूफ मस्कारा लगाओ तो मस्कारा से याद आया मैंने अपनी बहुत प्यारी लग रही है यार तुम तो जल पर ही, इसलिए तो तुम हमको तैयार करवाते हो। अब कहाँ लेके जाओगे इतना तैयार करवा के, अपन आज पानी गिर रहा है बस। अच्छा सुनो मैं तैयार जरूर हो गई हूँ बट मेरे बालों में ना गांठें बंधी हुई हैं, गांठें, क्योंकि 3-4 दिन से ना उसने बालों
को कॉम ही नहीं किया मैंने, धोया है, फिर ऐसे ही थोड़ा सुखाया ड्रायर से, फिर बांध लिया, फिर ड्रायर से सुखाया, फिर बांध लिया। अच्छा बाबू एक चीज़ याद आई है, मुझे देख लेने दो। पता क्या हुआ, जम्मू से मैं आई हूँ ना, तो मैंने कुछ भी चेक नहीं किया और मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि मेरा जो नथ जो मैंने पहना हुआ था, इतना मैसी अलवारी दिखा दिया तुमने हमारा, मैंने जो नथ पहना हुआ था ना वो नथ मैं नहीं लाई हूँ। अच्छा सुनो, ये ना बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि ये जो पायजब है ये वाले, इसकी डिजाइन थोड़ी पास से दिखा दो। सो देख लो इस तरीके से है ये, और ये बहुत अच्छे बजते हैं। तो जब मैं ये पहनी थी उस दिन कितना अच्छा लग रहा था, भतीजा वाले दिन ना, नथ में ले आई हूँ। मुझे बहुत डाउट था, मैं इतने दिन से बिस्तर पे बस एक ही चीज़ सोच रही थी, मैं लाई हूँ या नहीं लाई हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा तो डर पता किस चीज़ का लग रहा था, दिखाई थी मैंने, मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था इस चीज़ का कि ये जो नथ है ना, ये देखिए अलग से ये है, तो ऐसे तो नहीं, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में डाला था, तो मुझे लग रहा था पता नहीं डाला कि नहीं डाला, या गया इसके अंदर कि नहीं गया। अगर नहीं गया होगा तो नीचे ज़मीन में गिर गया होगा और पापा ने झाड़ू लगा दी होगी, अभी तक तो पापा रुके नहीं होंगे झाड़ू लगाने से। तो पापा से अगर मैं दोबारा पूछूंगी भी ना कि पापा आपने वो नथ देखा या कुछ भी, तो पापा मेरे को बहुत गंदा डांटेंगे कि आप ऐसे कैसे कर सकती हो, लापरवाही। बट थैंक गॉड कि इसमें है वो, और अभी हमें दीपावली पे जाना तो तुमने बताया नहीं हमें कि नथ मतलब नहीं मिल रही, कैसा क्या? तो वो मिलने वाली बात नहीं थी, मेरे को याद नहीं था, मिलना तो था, क्यों नहीं मिलेगी, कहाँ जाएगी, पर मेरे को याद नहीं था कि मैंने रखा भी है या फिर मैं रखना भूल गई, या फिर मैंने जल्दी जल्दी में रख के ऐसे डाला है, या फिर उसमें गया या नीचे गिर गया, वो सीन था और कुछ। तो ठीक है, मिल तो गई कम से कम। हाँ बनाना पड़ेगा, ये हमारी मिस्सी का है, ये देख रही है टीवी कहाँ गई। अरे तुम लैपटॉप में क्या करने लगी? मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है और एक फेसबुक पे पोस्ट डाला है, आपका और मेरा फोटो है। पता आपको फेसबुक पे म्यूजिक आ गया, मैंने म्यूजिक लगा के आपका और मेरा फोटो डाला पोस्ट में। हाँ इंस्टाग्राम पे था, मुझे पता था कि इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक का नहीं पता था। फिर जब मैंने डाला वो तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, ढूंढ लेंगे जन्नत फिर कभी। जब हमारे मेगा कैसा लग रहा है, जुड़ा जैसे भोलेनाथ बैठे हों। हाँ तो भोलेनाथ ही हैं, देवाल से टिकी है ना वो, इसलिए। तो अभी वो पोस्ट डाला है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, फॉलो करो। और मुझे फेसबुक पे, मेरा फेसबुक पे आईडी है मेघा सिंह के नाम से, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है मेघा66165 के नाम से। सो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो और हमारी बहुत सारी रील्स देख सकते हो। और आपको बताऊँ, मेरी 300 समथिंग रील्स मेरी अपने आप ड्राफ्ट में सेव थी, वो सारी डिलीट हो गई हैं। उसमें हमारी तीज की रील्स थी, ससुराल की कुछ अच्छी रील थी जो मैं नवरात्रि में अपलोड करने वाली थी, मैंने सारी रील्स नवरात्रि के लिए ही रखी थी, और भी बहुत कुछ था, लेकिन वो सब मेरे से डिलीट हो, मेरे से नहीं हुआ है, वो अपने आप हो गया है। सो अभी मैंने वो पोस्ट कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी चाय पियेंगे, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। सो गाइज इवनिंग का टाइम हो गया है और अभी बारिश रुकी नहीं है और मैंने फिर व्लॉगिंग कोई करी नहीं, और मेरी लिपस्टिक देख रही है ना, शुगर की लिपस्टिक है, उसके ऊपर फिर मैंने लिक्विड लिपस्टिक लगा ली ना, इतनी ड्राई हो गई कि बिल्कुल वैसी की वैसी है, थोड़ी सी भी नहीं हटी, अच्छी लग रही है। और ये है मेरा फेवरेट एरिया, मेरा प्लांट, बट मैं आज यहाँ नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि पूरी बालकनी गीली है। आ रही हूँ प्रॉपर, आप देख रहे हो टाइमिंग क्या हो रही है, 6:30 नहीं बजे अभी, बट अब थोड़ा सा 6:30 बजने के पहले ही अंधेरा टाइप का हो जाता है। टीवी कल के वीडियो पे आप लोगों का जो प्यार है, जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स थे तो उनके लिए दिल से थैंक यू, और आप लोग इतना प्यार देते हो उसके लिए भी दिल से थैंक यू। और अभी तो ये चिट चैट वीडियो है हमारा, हमारे हस्बैंड का, आपको व्लॉगिंग वेरी सून मतलब कल परसों से मिलने लग जाएगी, सो आप लोग व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। सो अगर हमारी किसी बात का बुरा लगता है तो प्लीज़ उसको माफ़ किया कीजिएगा, वैसे हमें किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता है, बस हाँ ये लगता है कि आप लोग अपने मन से कोई कहानियाँ मत बनाइए, क्योंकि हम कोई कहानी बना के आप लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहते। और अगर हमें इतना ही फेक ये सब करना होगा अगर,
तो सस्पेंस बनाना या ये सब तो आपको मेरी डेली ब्लॉगिंग मिलती, मैं भले ही बीमार थी पर आपको ब्लॉगिंग मिलती, लेकिन वो नहीं मिला ना क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाना जो है ही नहीं। सो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। आई होप आपको मेरी और मेरे हस्बैंड की मस्ती अच्छी लगी होगी।